डेमोक्रेसी ने सिखाया है कि वोट करना है, और ये भलाई के लिए वोट है, प्रोग्रेस के लिए वोट है, क्योंकि अब अमन है यहाँ पर। और आज जब हम वोटिंग आज करने में जो मुँह से सीधे आई, हम सबों को चाहिए कि हम ऐसे कैंडिडेट को वोट करें जो कल हमारी बात पार्लियामेंट में पहुँचाए। और अमन जबकि हर जगह हमें देखने को मिलता है, प्रोग्रेस प्रॉस्पर्टी, हमें उसके लिए वोट करना है। सबों को आना चाहिए और वोट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमें एक ऐसी जो राय अपनी देनी है जो हमारे दिल में होता है, हमारे जहन में होता है, और तभी हम आते हैं चुपके से और अपना वोट करते हैं, और उस वोट के बाद हम अपने नुमाइंदे को चुनते हैं। क्या कोई परेशानी नहीं है? आज आपके पास घर से ही दिमाग में ये बात है कि आज कोई पाबंदी मुझ पे नहीं है, आज किसी ने हड़ताल की कॉल नहीं दी है, आज कोई पथराव नहीं है। आज आप सीधे आएंगे, फ्रीली अपना वोट कास्ट करेंगे, और इस वोट कास्ट करने से आपको जो कल की जो तब्दीली है जम्मू कश्मीर में, वो देखने को मिलेगी। और हमें आज की डेट में ऐसे कैंडिडेट को वोट करना होगा जो वाकई में बदलाव का वोट होगा और इंसान के भलाई का वोट होगा। पीडीपी और एनसी का कहना है क्यों नहीं है 1986, ना ही आज 2010 है, ना ही आज 2016 है, आज 2024 है, आज फ्रीडम है, और आज आप देखेंगे कोई तबाही का दौर नहीं है। आज 2024 का वोट है, और हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग आ सकता है और वोट कर सकता है। आज किसी पे पाबंदी नहीं है। क्या आपको ये अब लोगों को तो खुद सोचना है कि हमें आज वोट करना है तब्दीली को, जो आज हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे अमन दिया है, हमें उस चीज़ को वोट करना है। और क्या मैसेज रहे? मेरी मैसेज यही है आज कि आज हमें वोट करना है, दिल से करेंगे, जहन खोल के वोट करेंगे, और बदलाव प्रोग्रेस और प्रॉस्पर्टी को वोट करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी ने सोच समझ कर जो प्रोग्रेस यहाँ पे किया, प्रॉस्पर्टी जो हमने जम्मू कश्मीर में देखी, आज यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि दो पार्टियों को छोड़कर जिन्होंने हमें 75 साल पे यहाँ पे सब कुछ दिखाया है, उनको छोड़कर हम अपने किसी अच्छे कैंडिडेट को पार्लियामेंट में भेजें।